भगवती की आराधना का दिन शुरू हो चुका है, यानी कि ये महोत्सव शुरू हो चुका है जिसे हम कहते हैं नवरात्रि। हर दिन हम बातचीत करते हैं देवी के अलग अलग स्वरूपों के बारे में, और आज है नवरात्र का चौथा दिन यानी माता कुष्मांडा का दिन। इस स्वरूप के बारे में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष अलंकार एस के शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहली बात आपसे ये जानना चाहेंगे, माता के कुष्मांडा स्वरूप की हम चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार का स्वरूप है माता का ये और इस स्वरूप का महत्व क्या है? ये माता दुर्गा का कुष्मांडा स्वरूप, कुष्मांड बोलते हैं जिसको कि हिंदी में पेठा भी बोलते हैं, और कद्दू से डिफरेंट होता है, कुमड़े से डिफरेंट होता है जी, कुमड़ा ही बोलते हैं इसको। सफ़ेद रंग का एक बड़े आकार का कुमड़ा होता है, सीताफल से डिफरेंट होता है, इसको कुष्मांडा स्वरूप बोलते हैं। इसलिए ये स्वरूप उन्होंने इसको पर्वत का एक कुमड़े के आकार का अपना जो है उन्होंने शरीर का विस्तार किया देवी ने राक्षसों में भय पैदा करने के लिए, तो कुष्मांडा स्वरूप उसको बोलते हैं। कुमड़ा के आकार का उन्होंने एक ऐसा स्वरूप बनाया कि राक्षस भयभीत होकर के डर के भागें, शुंभ निशुंभ रक्त बीज, ये जिन राक्षसों से उनकी लड़ाई हो रही थी, ये देवी का जो है चौथा स्वरूप है। और आठ हाथों वाली ये देवी हैं, और एक हाथ में माला और एक हाथ में हथियार लिए शेर पर सवार होकर के इन्होंने राक्षसों का वध करना शुरू किया जी। अगर इस स्वरूप की हम बात करें तो माता कुष्मांडा का जो पूजा पाठ किया जाता है उसकी विधि विधान क्या होते हैं, किस प्रकार से माता कुष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है? जी, माता कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करने के लिए, जैसे कि और दूसरे स्वरूपों की पूजा के बारे में मैंने वर्णन किया जी, दुर्गा शक्ति के रूप की उपासना करने के बाद में कुष्मांडा स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। शक्ति का जो मंत्र सर्वदे सभी नौ देवियों के लिए जो मैंने बताया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, इसको मंत्र को बोल के उसके बाद में जो नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा देवी के जो पूजा अर्चना की जाएगी जी, तो वहाँ पे बोला जा सकता है या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडाय रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः जी। 2x2 फुट का एक चौड़े आकार का, चौकोर आकार का एक आसन बनाना चाहिए, उस पर सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र उसके ऊपर बिछाने चाहिए, और जिस प्रकार की पहले बताया था कि नारियल जो कि आलरेडी आप स्थापित कर चुके हैं जी नवरात्रि के प्रथम दिन, उस पर तिलक करके एक छोटी सुपारी गणेश जी का स्वरूप जो है मान करके, चांदी या स्टील की कटोरी में कच्चा दूध डाल के उसमें जो है चांदी का सिक्का डुबो के बाहर रखिए, निकाल के उस पर तिलक लगाइए, और लाल वस्त्र पाटे या चौकी पे बिछा के, साइज उसका थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन चौकोर आकार होना चाहिए जी, और देवी की पूजा करिए दिया जला के, धूप जला के, और जो मंत्र बोला उसका उच्चारण करके सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त वो मंत्र बोलने के बाद में आप जो देवी का नौ दुर्वाओं का जो मंत्र जो है एक सार्वभौमिक मंत्र है और बहुत प्रभावकारी सिद्धिदायक मंत्र है जी, आपकी हर मनोकामना पूर्ति करने वाला मंत्र है, उसको भी आप जरूर उच्चारण करें। वो मंत्र इस प्रकार है, मैं फिर से बोल देता हूँ जी। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शाप नाशा नुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। अब इस मंत्र में बताया जा रहा है कि देवी चंडिका दुर्गा कुष्मांडा स्वरूप ये किसी प्रकार के शाप विपदा दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करेंगे जी। इस मंत्र का बाद में उच्चारण करने से अंत में फिर वही मंत्र का उच्चारण करें जो शुरू में किया था, नमो देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः।
जी, माता के पूजा के बारे में आपने बताया किस प्रकार के विधि विधान है, कोई समय निश्चित है इसके लिए? और उसके अलावा पूजा जब की जाती है तो कोई ऐसी सामग्री है जो माता को अति प्रिय है? जी नवरात्रि में आपने देखा होगा कि मंदिरों में 24 घंटे पट खुले रहते हैं। नवरात्रि में पूजा का कोई समय का विधान नहीं, कि सारे ही समय शुद्ध है और शुभ है। जी फिर भी सुबह जितनी जल्दी कर सकते हैं सूर्योदय के बाद में, और 12 बजे पहले पूजा संपन्न कर लें। विशेष योग पूजा का और अच्छा अगर आप परिणाम चाहते हैं तो अभिजीत योग, एक योग आता है जो कि हर दिन आता है, दिन के 11:42 से 12:12 तक, उस योग में पूजा करना विशेष लाभदायी सिद्ध रहता है। रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं, देवी और हनुमान जी की पूजा का रात्रि में भी विधान होता है। पूजा का समय कोई विशेष निश्चित नहीं है, लेकिन कोशिश करें या तो सुबह 12 बजे पहले करें या रात्रि में 8 बजे बात करें, जी 12 बजे पहले करें रात्रि में। जी चलिए, आपने बताया किस प्रकार से माता को प्रसन्न किया जा सकता है। माता भगवती सदैव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं, लेकिन विधि विधान जो गुरुजी ने बताए हैं उनको अपनाकर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और जी फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और जी ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि माता के कुष्मांडा स्वरूप का अलग अलग 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल।